तो फाइनली अब वो टाइम आ ही चुका है जब हम स्टार्ट करें हमारी एक माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। वो भी ऐसी वैसी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट नहीं करने वाले हम करने वाले एक माइनक्राफ्ट मॉडेड सर्वाइवल सीरीज को स्टार्ट, जिसमें हम यूज करने वाले बहुत ज्यादा ओपी वाले मॉड्स और करने वाले सर्वाइव विनी मॉड्स के साथ। तो यार बहुत ज्यादा खतरनाक सीरीज होने वाली है। तो चलो यार इस सीरीज का पहला एपिसोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर करूंगा मैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड और यहाँ पे मैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में इसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेडरॉक एडिशन के मॉड जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे से पता है। इसलिए यहाँ पर मैं बेडरॉक एडिशन में कर रहा हूँ क्रिएट न्यू वर्ल्ड। और मैं आपको बताऊंगा वो पूरे मॉड्स, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। मैं यहाँ पर ये मॉड जो है और ऐड भी कर सकता हूँ। तो पहला ही मॉड यहाँ पर देखो ये कौन सा मॉड है, फटाफट से पूरे मॉड्स ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कर लिए पूरे मॉड्स को ऐड। अब सिंपल से मैं करूंगा यहाँ पर तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, सब ऐसा ही रहने वाला है। अभी हम नाम सेट करेंगे इस वर्ल्ड का जो कि रहने वाला है। तो इस वर्ल्ड का हमने रखा है नाम खतरनाक ओपी सीरीज इनटू 100। और भी कुछ रख सकता था तो बोल दो कमेंट सेक्शन में, वो भी रख दूंगा। तो फटाफट से करते क्रिएट पर क्लिक और करते इस सीरीज को स्टार्ट इन 3 2 1 बूम। ओ हम आ चुके हैं हमारे प्यारे से वर्ल्ड में। और ये ओ आइस बायोम के पास स्पॉन मिला है हमें, बहुत ज्यादा बढ़िया यार। ये लेकिन कहाँ पर स्पॉन कर दिया मुझको, ओए यार राते के साथ डैमेज। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के बायोम्स देखने को मिलने वाले हैं हमें। फिलहाल तो शायद से हम ये एक प्लेन्स बायोम में आ चुके हैं जो कि कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये हम हमेशा ही देखते हैं। लेकिन हमें और भी बहुत सारे जो है बायोम्स डिस्कवर करने हैं इसमें, और भी बहुत सारे मॉड्स है। आपको धीरे धीरे सीरीज जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको हर एक मॉड देखने को मिल जाएगा कैसे हमें यूज करना है। फिलहाल तो ये वुड चॉप करना पड़ेगा हमें, बाकी सब तो सेम ही, हमें सर्वाइव करना है एज सिंपल जैसे हर एक सीरीज रहती है वैसे ये भी है, सिर्फ मॉड्स है इसमें। चलो बहुत हो गई इतना। आज के वाली वीडियो में मुझे एक घर ढूंढना है यार, कुछ भी करके घर बनाना है। ओ ये काम आ सकता है हमें आज। बेड के लिए सामान इकट्ठा कर लेते हैं फटाफट से। इस सीरीज की भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्राफ्ट कर लेते हैं हम, क्राफ्टिंग टेबल, इसे भी लेते हैं और स्टिक्स भी रखो इसे। और बना लेने हमें यार अभी सब चीजें, तो हमें ये ऐसी ही करनी है सिंपल जैसी करते थे हम, बस घर बना देना है मुझको आज कुछ भी कर। इधर आजा स्टोन, कम टू पापा। इस केव में और कुछ है क्या यार? ओ ये केव तो बहुत नीचे तक जा रही है। और आयन, शायद से आयन ही है ना। हाँ मैं आपको और एक चीज बता दूं, इसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग ओर्स भी ऐड किए हैं। जी हाँ ये आयन हो सकता है या कौन सा दूसरा ओर भी हो सकता है, बाद में देखते हैं हम। और आयन शायद आयन ही है ये। और ये भी है कोल, भाई कोल का टेक्सचर देखो कितना ज्यादा ऑसम कर दिया है न्यू अपडेट में। और कुछ है क्या यार यहाँ पर? केव तो बहुत ज्यादा डीप जा रही है। और हाँ तुम तो रहोगे काय हो गरीब, हाँ तू तो रहेगा ही, पता है मुझको। पहले तो जाके स्टोन टूल्स बनाते और आयरन टूल्स भी बना देते फटाफट से, स्पीड रन करने वाले हम इसे। फटाफट से बना लेते अपने वो थोड़े से फास्ट स्टोन के टूल्स। क्या करे यार यहाँ पर ये बायोम जो नवे नवे डाले मैंने वो एक्सप्लोर करते बैठे या जाए केव में। ये आयन भी कलेक्ट कर ही लेते, आयन ही है ना शायद से। हाँ ये आयन हो रही है यार, मुझे लगा कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज है। रहने तो आगे मिलेगा हमें अभी भारी भारी चीजें एकदम। मेरे पास खाना भी नहीं है और मैं केविंग को आ गया हूँ भाई, अभी मेरा खाना खत्म होने वाला है यार। फटाफट से थोड़े शिकारों को ढूंढना पड़ेगा मुझको खाने की हमारी किल्लत को मिटाने के लिए। ये स्टीव बहुत ज्यादा भुक्कड़ रहता है यार। ओ क्या हो, क्या कर रही हो फिर? अच्छा भाई दिख गई यार। कोल भी नहीं है मेरे पास, कोल भी लाना पड़ेगा हम नीचे से जाकर। मुझे ऐसा ये रूबी के जैसा दिख रहा है ब्लैक डायमंड, भाई कितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है कोल एकदम। भाई हमें सूट अप करने के लिए फुल आयरन हो चुका है। और हाँ इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग ज़ॉम्बीज भी आपको देखने को मिलने वाले, मतलब अनडेड मॉब जो रहते ना वो अलग अलग टाइप के भी आपको देखने को मिलने वाले इसमें। यार बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये सीरीज के लिए। फटाफट चलते हैं ऊपर। ओ चिकन, हेलो खाना चाहिए मुझको। कहाँ भाग रहे? वो क्या चीज है? ओए ये क्या है यार? ये सुबह क्यों स्पॉन हो गए यार? मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये इतने जल्दी क्यों स्पॉन हो गए यार? भागो, कौन है यार ये लोग? चलो फटाफट से फर्नेस में खाना पकाना पड़ेगा मुझको। फ्रेंडली है या नहीं पता नहीं यार ये मॉब्स। हेलो सर जी, वो देखो भाई क्या है, वो सिंह है उसको एक, वो एक घोड़ा, लेकिन मैं उसे टेम नहीं कर सकता। भागो यहाँ से यार, ये रात भी हो रही है, अब तो खतरनाक मॉब्स और भी स्पॉन होंगे। ओ शिप शिप, और एक स्पॉन हो जाओ यार, और एक को स्पॉन कर दो ना, नहीं मानोगे तुम लोग, मर जाओ। हमारे पास 3 बुले, यस जाकर सो सकते हैं हम। अब मॉब स्पॉन होने से पहले सो जाते हैं फटाफट से। वो एक नया बायोम दिख रहा है क्या यार आप लोग को? मुझे तो वैसा ही लग रहा है, वो ट्रीज कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं मुझको। ओए ये वापस यहाँ पर है यार, ये इतना क्यों स्पॉन होता है? एक सेकंड, वो कुछ ड्रॉप किया तो फाइट लेके आया इससे जाकर। फाइट लेते हैं हम इससे। एक सेकंड, दूर जाके हम खाना पकाते हैं और इससे आके फाइट लेते हैं। मेरे पास आयन भी है, हम आयन स्मेल्ट करके भी इससे फाइट ले सकते हैं। यप हम वही करने वाले। अब क्यों भी मिल गई है मुझको एक।
यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं। यार ये बहुत टाइम लेने वाला है स्मेल्ट होने। कौन सी और बायोम में जाके घर बनाते हैं यार, क्योंकि इसमें 30 टाइप के कुछ तो बायोम से कौन सी तो बहुत ज्यादा ऑसम वाली बायोम में घर जाकर बनाएंगे हम। एक चेस्ट प्लेट बन जाएगी, चेस्ट प्लेट बना लो यार, पूरा गियर अप हो जाएगा हम आज ही ये वाले एपिसोड में। पता नहीं क्या कब कहां से आ जाएगा, पीछे से कोई भी मार सकता है हमें। हमारे पीछे बहुत सारे दुश्मन है, उन दुश्मनों से हमें लड़ने के लिए गियर अप होना ही होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो भाई आयन आर्मर, मेरा पैर देखो, मेरे घुटनों पे नी कैप्स लगे हैं, ऐसा लग रहा है मेरा आयन आर्मर इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है अभी। एक हेलमेट भी बना लेते हैं फटाफट से, और अब हेलमेट को पहनने के बाद देखो कैसा होता है ये हेलमेट। हमने पहना बूम, और ये देखो भाई ये है आयरन आर्मर, कितना ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है यार ये। फटाफट से बच्चा कुचा खाना भी पका ही लेते हैं। चलो यार फटाफट से, आधे तो गियर अप हो ही चुके हैं, जाकर देखते हैं वो क्या करता है हमें। ओए वो वहां पर ही खड़ा है अभी भी। हेलो मास्टर जी, ये कुछ ड्रॉप करा तो बहुत अच्छा यार, प्लीज यार कुछ ड्रॉप कर, लड़ने आ रहा हूं मैं। ओए डैमेज तो खतरनाक दे रही है ये, बीच वाला कुछ करता नहीं है। ओए जमीन में से उठकर आ रहे ना ये लोग, दिखने में तो बहुत खतरनाक है यार ये। दूसरे ज़ॉम्बी हो, इतने स्पॉन कर सकता है यार ये। ओए अरे हट जा यार, काहे यहाँ इतनी सीरियस फाइट चालू है, तुझे बीच में आना है, बिन काम का मार खा के चले गई। ओए टीएनटी फेंक रहा भाई, ये छोड़ टीएनटी क्यों इधर हाथ में, फट गया। अजीब है यार ये लोग, फट गया। ओ ब्लॉक्स मिले मुझको, अच्छा है बिल्डिंग के लिए काम आएंगे ये ब्लॉक्स। एक दो और मारूंगा, माला माला हो जाऊंगा ब्लॉक्स के बीच में। टार्जन की जैसा पेड़ों से आ रहा हूँ यार मैं, लेकिन अभी तक एक भी मुझे अलग बायोम नहीं देखने को मिली। कितनी बड़ी बायोम है यार ये, बहुत ढूंढना पड़ेगा यार मुझको अलग बायोम के लिए। कब से घूम रहा हूँ लेकिन अभी तक एक अलग बायोम देखने को नहीं मिली मुझको। ओ एक स्नो बायोम, यस एक स्नो बायोम देखने को मिल रही है यार बहुत देर बाद फाइनली। और ये ओए नया मॉब, ये देखो भाई ये एक और नया मॉब है। तू पानी में यार, पानी में आना। ओए ये क्या ड्रॉप किया इसने, और वो पेड़ कैसे है उसके पीछे। ये अलग मॉब था और इसने ड्रॉप किया है फ्रोजन रोटन फ्लैश। हाँ वो फ्रोजन मतलब एक एक्वा ज़ॉम्बी के जैसा दिख रहा था ऐसा। ये देखो मतलब तुम लोग यहाँ पर ये स्नो इसमें स्पॉन होते हो क्या, वैसे क्या होगा अगर मैं इसे खा के देखूं। आइडियाज भाई आइडियाज। ओए यार ये कितने सारे इफेक्ट दे दिए तुमने, स्लोनेस ये वो, यार कितने सारे स्पॉन हो रहे हो पागलो, रहने दो। ये कौन से लीव्स है भाई, अरे ये तो एकदम ग्रे मतलब ऐसा रंग उड़ गया इन लीव्स का ऐसा लग रहा है, रहने दो छोड़ो ये सब भाई, मस्त बायोम है। और वो देखो भाई माउंटेन जनरेशन कितने अच्छे हैं, ये डबल डबल क्यों लगा है यहाँ पर। वो देखो भाई कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है वो बायोम। चलो भाई उधर कितने ज्यादा बड़े ट्रीज है यहाँ पर, और सब इतने ग्रे ग्रे है। यहाँ पर ही कहा अपना घर बना लेते यार, कितना ज्यादा। वो देखो वहाँ पर और एक बायोम, ये कितनी ज्यादा ऑसम बायोम है यार, एकदम विंटर की फील आएगी यहाँ से। ये देखो भाई ये दो अलग अलग बायोम से एक साथ जुड़े हुए हैं।